हेलो एवरीवन स्वागत है आपका रेप्लिका वर्ल्ड में आज हम लोग कर रहे हैं यूटेट पेपर सेकेंड टू थाउजेंड ट्वेंटी जिसमें हम लोग आज करने वाले हैं सेकेंड लैंग्वेज इंग्लिश के क्वेश्चंस तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्सटी वन क्या है प्रोनाउंसिएशन इज रिलेटेड टू प्रोनाउंसिएशन किस चीज़ से रिलेटेड है वो स्पीकिंग इटोनेशन या ऑल ऑफ दीज तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दीज क्योंकि जो हमारा प्रोनाउंसिएशन है वो इन तीनों चीज़ों से रिलेटेड है नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है सिक्सटी टू ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड इज़ यूज इन टीचिंग तो ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड किस में यूज़ किया जाता है किस लैंग्वेज को पढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है फर्स्ट लैंग्वेज मदर टंग सेकेंड लैंग्वेज या ऑल ऑफ दीज तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सेकेंड लैंग्वेज तो ग्रामर और ट्रांसलेशन मेथड जो है हम तभी यूज़ करते हैं जब हम कोई सेकेंड लैंग्वेज सीख रहे हो हमें अपनी मदर टंग को सीखने के लिए या फर्स्ट लैंग्वेज को सीखने के लिए ग्रामर को सीखने की ज़रूरत नहीं होती है वो हमें नेचुरली ही आ जाती है नेक्स्ट जो क्वेश्चन है न्यू मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश इज डेवलप्ड बाय जो नया मेथड है इंग्लिश को सिखाने का वो किसने डेवलप किया था यहाँ पे हमारे पास चार ऑप्शंस है आई के डेविस बी एस ब्लूम डॉक्टर वेस्ट या नन ऑफ दीज तो इसका आंसर होगा डॉक्टर वेस्ट ऑप्शन नंबर सी नेक्स्ट क्वेश्चन है वेन लैंग्वेज इज लर्न विदाउट प्रैक्टिस इट इज़ कॉल्ड जब लैंग्वेज को बिना प्रैक्टिस के हम लर्न कर सकते हो तो उस लैंग्वेज को हम क्या बोलेंगे लर्निंग फर्स्ट लैंग्वेज एक्विजिशन या एरिशन इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी फर्स्ट लैंग्वेज नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फोनोलॉजिकली दी नंबर ऑफ सेमी वॉबल्स इन इंग्लिश इंग्लिश में सेमी वॉबल्स कितने हैं हमारे पास चार ऑप्शन हैं वन टू फोर या फ़ाइव तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी टू चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे अ डिसऑर्डर रिलेटेड टू लैंग्वेज कॉम्प्रीहेंशन इज़ ठीक है तो यहाँ पे लैंग्वेज कॉम्प्रीहेंशन से रिलेटेड जो डिसऑर्डर है वो कौन सा है अफेजिया एप्रेक्सिया डिसलेक्सिया इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी डिसलेक्सिया चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे द टीचर सेट टू हरी वाई डिड यू नॉट कम टू स्कूल येसटडे तो यहाँ पे हमें क्या करना है डायरेक्ट इनडायरेक्ट बताना है ठीक है तो यहाँ पे डायरेक्ट नरेशन है उसको इनडायरेक्ट में करना है हमारे पास यहाँ पर चार ऑप्शन है तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी द टीचर आस्क हरी वाई ही हैड नॉट कम टू स्कूल द प्रीवियस डे तो इसे सॉल्व करने के लिए आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट के बारे में नॉलेज होनी चाहिए क्योंकि उसमें बहुत सारे रूल्स होते हैं कि हमें कैसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट जाते हुए किस टेंस को कौन से टेंस में बदलना होता है नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है फिल इन दी ब्लैंक्स विद करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब हमें इसमें वर्ब की फॉर्म भरनी है तो यहाँ पे शी डैश दी फ्लोर शी सडनली डैश एस स्कॉर्पियन तो यहाँ पे शी स्वीप की जगह हमें देखना है कि क्या आएगा तो यहाँ पे हमारे पास चार ऑप्शन है स्वैप्ड वॉस स्वीपिंग स्वैप्ड या वॉ स्वीपिंग ठीक है तो इसका जो होगा वो स्वीपिंग यानी कि वो स्वीपिंग कर रही थी उस टाइम पे जब उसने सडनली स्कॉर्पियन को देखा तो यहाँ पे क्योंकि पास्ट में चल रहा है तो जो सेकेंड वाला ब्लैंक है उसमें सी की जगह सौ हो जाएगा तो यहाँ पे इसलिए आएगा शी was स्वीपिंग the फ्लोर when शी सडनली saw अ स्कॉर्पियन तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं चूज द करेक्ट प्रपोजिशन फ्रॉम द चॉइस गिवन बिलो ठीक है तो यहाँ पर हमें प्रपोजिशन भरना है नेचर इज सेल्डम लेविश डैश हर इंटेलेक्चुअल गिफ्ट्स ठीक है ऑफ इन विद बाय तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ऑफ ऑफ हर इंटेलेक्चुअल गिफ्ट्स चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेवेंटी फाइन सेंटेंस विच इज इनकरेक्ट हमें एक ऐसा सेंटेंस बताना है जो कि इनकरेक्ट हो वेजेस ऑफ सिन इज डेथ टाइम एंड टाइट वेट फॉर सम फायर एंड वाटर डू नॉट अग्री ब्रेड एंड बटर इज़ हिज ओनली फूड तो इसमें जो गलत आंसर जो गलत हमारा सेंटेंस है वो है ऑप्शन नंबर बी टाइम एंड टाइड वेट फॉर सम क्योंकि एक्चुअली में ये होता है टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेवेंटी वन फाइंड दिस सेंटेंस विच इज़ करेक्ट हमें इसमें करेक्ट सेंटेंस बताना है चार सेंटेंसेज हैं टू एंड टू मेक्स फोर द चेयरमैन विद द डायरेक्टर्स आर टू बी प्रेजेंट ही एंड आई वर प्लेइंग सिल्वर एज वेल एज गोल्ड हैव फॉलन इन प्राइज तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी ही एंड आई वर प्लेइंग नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेवेंटी टू इग्नोमिनियस मीन्स इग्नोमिनियस का मतलब क्या होता है इग्नोरेंट ऑफ समथिंग वन शुड नो यानी किसी ऐसी चीज के बारे में इग्नोरेंट होना जिस पे ध्यान नहीं देना जो कि ध्यान देना ज़रूरी है या फिर किसी चीज़ को लेके शर्म महसूस करना या फिर किसी चीज़ को इग्नोर करने की जो प्रोसेस होती है या फिर प्राउड फील करना ठीक है तो यहाँ पर जो आंसर है इसका वो है ऑप्शन नंबर बी दैट विच मेक्स वन फील अशेब ठीक है शर्म महसूस करना नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज दी वर्ड विद करेक्ट स्पेलिंग इनमें से किस वर्ड की करेक्ट स्पेलिंग है तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है लेजन की जो स्पेलिंग है वो है एल आई ए आई एस ओ एन ये करेक्ट स्पेलिंग है नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेवेंटी फोर फाइंड आउट दी पार्ट दैट हैज एरर इन सेंटेंस एरर दिया हुआ है हमें uh, कुछ इस सेंटेंस में यानी कि हमारे पास ये पूरा एक सेंटेंस है जो कि चार पार्ट में बांटा हुआ है हमें बताना है कि, कि किस पार्ट में एरर है वॉट टू स्पीक ऑफ रिफ्रेशमेंट शी डिड नॉट आस्क मी इवन फॉर अ ग्लास ऑफ वाटर या फिर ऑप्शन नंबर डी होगा नो no एरर तो जो एरर है वो है ऑप्शन नंबर ए में वॉट टू स्पीक ऑफ रिफ्रेशमेंट ये गलत है इसमें पार्ट ठीक है तो इसलिए ये इसका आंसर होगा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास चार एक सेंटेंस दिया हुआ है जिसको चार पार्ट में बांटा हुआ है इन चार पार्ट्स को हमें अरेंज करना है और करेक्ट अरेंजमेंट हमें इसमें बताना है तो यहाँ पे डिफरेंट चीज़ें दी हुई हैं तो जो करेक्ट अरेंजमेंट है वो है यहाँ पे अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स हैव डिसाइडेड टू स्टार्ट अ काइंडनेस क्लब इन योर स्कूल विद स्टूडेंट एंड टीचर कैन डोनेट बुक्स टू सेंड टू बी सेंड टू अनप्रविलेज चिल्ड्रन यानी जो सिक्वेंस होगा वो होगा आर पी एस क्यू ठीक है ऑप्शन नंबर सी नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज दी करेक्ट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन ई डी एम या फ्रेज हमें करेक्ट मीनिंग बताना है वी शुड ऑलवेज बी प्रॉम्प एंड एक्टिव एंड नॉट लेट दी ग्रास ग्रो अंडर आवर फीट तो लेट दी ग्रास ग्रो अंडर अवर फीट का क्या मतलब है ये आपको इस सेंटेंस से ही पता चल जाएगा ठीक है हमें हमेशा एक्टिव रहना चाहिए ठीक है एंड नॉट लेट ग्रास ग्रो अंडर आवर फीट का क्या मतलब होगा तो यहाँ पे चार ऑप्शन है कट दी ग्रास अंडर आवर फीट इन टाइम नॉट अलाउ दी ग्रास टू ग्रो नॉट डिले इन गेटिंग थिंग्स डन या फिर वेट फॉर दी फेवरेबल सिचुएशन तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी नॉट डिले इन गेटिंग थिंग्स डन इस सेंटेंस से हमें पता चल रहा है कि इसका मतलब ये है कि हमें जल्दी से एक्टिवली काम करना चाहिए और किसी चीज़ को टालना नहीं चाहिए समय से उसको कर देना चाहिए नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर चेंज ऑफ वॉइस करेक्ट ऑप्शन हमें बताना है इसमें ठीक है कि अगर हम वॉइस चेंज करें इस सेंटेंस की तो करेक्ट आंसर क्या होगा इट डिसअपॉइंट्स मी दैट दी मेंबर्स हैव अडोप्टिड एन अनरियलिस्टिक पॉलिसी चार ऑप्शन से सारे ऑप्शन मैं नहीं पढ़ रही हूँ करेक्ट ऑप्शन जो है वो है आई एम डिसअपॉइंटेड दैट एन अनरियलिस्टिक पॉलिसी हैज़ बीन अडोप्टेड बाई दी मेंबर्स तो एक्टिव वॉइस इसको पैसिव वॉइस में हमने चेंज किया है ठीक है ऑप्शन नंबर बी का आंसर होगा चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्वेश्चन नंबर सेवेंटी एट सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट मॉडल इन द गिवन सेंटेंस मॉडल हमें इसमें चूज करना है व्हाई डिड यू स्टे एट अ होटल व्हेन यू वेंट टू मुंबई यू डैश विद योर अंकल ठीक है यू कैन स्टे यू कुड स्टे यू कुड हैव स्टेड या मस्ट स्टे तो इसका आंसर होगा यू कुड हैव स्टेड विद योर अंकल यानी ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा नेक्स्ट क्वेश्चन है सेवेंटी नाइन फिलिंग द ब्लैंक विद करेक्ट वर्ड डैश ग्रेन दे हैड वॉज डैमेज बाय सी वॉटर अ लिटिल अ फ्यू द लिटिल या फ्यू तो होगा द लिटिल ग्रेन ठीक है तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द फिगर ऑफ स्पीच यूज इन द फॉलोइंग सेंटेंस वेराइटी इज द स्पाइस ऑफ लाइफ ठीक है तो यहाँ पर क्या यूज़ किया गया कौन से फिगर ऑफ स्पीच है स्माइली मेटाफर पर्सोनिफिकेशन या हाइपर बोले तो इसका आंसर होगा मेटाफर ऑप्शन नंबर बी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं एटी वन से लेके एटी फाइव तक के जो क्वेश्चन है वो एक पैराग्राफ पे बेस है एक पैसेज दिया हुआ है इसको पढ़ना है हमें और इसके अकॉर्डिंग हमें आंसर करना है तो ये जो पैसेज है ये बुक्स के बारे में है कि बुक की जो रीडिंग हैबिट है वो कितनी अच्छी है जो रस्किन हैं वो ये कहते हैं कि जो बुक है वो किंग्स ट्रेजर है यानी कि राजा का खजाना है और वो बहुत ही खुशकिस्मत लोग होते हैं जो इसको पढ़ते हैं और जो नहीं पढ़ पाते हैं वो बड़े बदकिस्मत लोग होते हैं तो इसके बारे में ये बातें कही हुई हैं बुक के बारे में बात की हुई कि बुक को पढ़ने से क्या क्या फ़ायदे होते हैं और क्या क्या चीज़ें इस चीज़ में होती हैं ये सब यहाँ पे बताया गया है तो उसके बेसिस पे हमें क्वेश्चन को आंसर करना है दी बेनिफिट ऑफ रीडिंग पोइट्री इज़ पोइट्री को रीड करने के क्या फ़ायदे हैं एंड रिच इज़ अवर लैंग्वेज गिवस नोबल थाट्स एंड ब्यूटिफुल गिव गिवस नॉलेज ऑल ऑफ़ दीज तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी गिवस नोबल थाट्स एंड ब्यूटीफुल इमेजिनिंग्स ठीक है B, हमें नोबल थाट्स देती है पोइट्री ब्यूटीफुल इमेजिनिंग्स नेक्स्ट क्वेश्चन है हुज लाइफ इज एमटी किसकी लाइफ खाली है अ पुअर मैन अ रिच मैन हू डज नॉट रीड ऑफ दीजर किंग्स ट्रेजर मीन्स किंग्स ट्रेजर का मतलब क्या है गोल्ड एंड सिल्वर बुक की करेंसी तो इसका आंसर है बुक्स तो बच्चों इस तरीके से ये हम क्वेश्चन आंसर करते हैं अब देखो क्वेश्चन आंसर करने के लिए पूरा पैराग्राफ आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है जो क्वेश्चन का जो लाइन है उसको आप पैराग्राफ में जाकर ढूंढ सकते हो अगर आपके पास इनफ टाइम है पेपर में तो पूरा पैराग्राफ आप पढ़ भी सकते हो पर जितने भी आंसर है वो आपको पैराग्राफ में आसानी से मिल जाते हैं चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्वेश्चन नंबर एटी फोर एज वी नीड होल सम फूड फॉर दी बॉडी सो वी नीड फॉर दी माइंड गुड नावल्स नावल नोवल बुक्स ऑफ हिस्ट्री बायोग्राफी फ़िलासफी रिलीजन एक्सेट्रा पोइट्री या ऑल ऑफ दीज तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दीज क्वेश्चन नंबर एटी फाइव है चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइटल ऑफ द पैसेज राइटर्स मेन थ्रस्ट इन द पैसेज इज स्टोरी ऑफ अ हैप्पी मैन किंग्स ट्रेजर हैबिट ऑफ़ गुड रीडिंग एंड नॉलेज एंड एजुकेशन तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हैबिट ऑफ गुड रीडिंग क्योंकि इस पैराग्राफ में वही चीज़ बताई हुई है कि हमें अच्छी रीडिंग करने की हैबिट जो है वो डालनी चाहिए अपने अंदर नेक्स्ट जो क्वेश्चन हैं सिक्स से लेकर नाइन्टी तक वो भी एक पैराग्राफ पे बेस्ड है मतलब एक पैसेज पे बेस्ड है ये पैसेज हमें पढ़ना है और उसके बेसिस पे हमें क्वेश्चंस को आंसर करना है ये जो पैराग्राफ है ये ह्यूमन माइंड पर बेस्ड है इसका कहना ये है कि जो इंसान की ज़िंदगी है वो उसके दिमाग का ही खेल है जो इंसान अपने दिमाग में सोचता है वही अल्टीमेटली वो करता है और जिसका दिमाग अच्छा होता है काम होता है वही अच्छी चीज़ों को कर पाता है समाज में तो इसके बारे में ये पैराग्राफ है चलते दे चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है एटी सिक्स क्वेश्चन है वॉट बेसिकली डिटरमाइंस द नेचर ऑफ अ मैन ठीक है चार ऑप्शन हैं थ्री गुनास सतवा राजस एंड तमस नेक्स्ट आवर कर्माज और एक्शन नेक्स्ट दिस सेल्फ और कॉन्शियसनेस या नन ऑफ दिस तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए दी थ्री गुनाज ठीक है अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे वॉट बेसिकली लीड्स टू डेमो डेमोनिकल डीड्स डेमोनिकल डीड्स क्यों होती है यानी कोई भी इंसान बुरा काम क्यों करता है तो हमारे पास चार ऑप्शन हैं प्रेजेंस ऑफ रजस एंड तमस गुनास मैंस माइंड कर्मास या नन ऑफ दीज तो इसका आंसर है रजस और तमस जिस इंसान के अंदर रजस और तमस होता है वही बुरे काम करता है जिसका इंसान के अंदर सत्व होता है वो कभी भी बुरे काम नहीं करता है नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर एटी एट डिवाइन एट्रीब्यूट सिग्निफाइड डिवाइन एट्रीब्यूट का क्या मतलब है गॉडली एक्शंस गॉडली क्वालिटीज़ गॉडली डिक्टेट्स या फिर ऑल ऑफ दीज तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी गॉडली क्वालिटी डिवाइन एट्रीब्यूट का मतलब होता है जिसके अंदर ईश्वरीय गुण होते हैं गॉडली क्वालिटीज होती हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है एटी नाइन वॉट अकॉर्डिंग टू दी ऑथर रिमेन्स पैसिव ऑथर के अकॉर्डिंग क्या चीज़ हमेशा पैसिव रहती है स्टेट ऑफ माइंड एट्रीब्यूट कर्मास या सेल्फ विद इन तो इसका आंसर है सेल्फ विद इन यानी कि हम जो हैं हमें अपने बारे में ही नहीं पता होता है और वही चीज़ इस पैसेज में कहा गया है अगर हमें अपने बारे में अपना ट्रू नेचर पता होगा तो हम कभी भी कोई चीज़ गलत नहीं करेंगे तो इसका जो आंसर है एटी नाइन का वो है ऑप्शन नंबर डी नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड दी वर्ड इन दी पैसेज विच मीन्स हैबिट ऑफ बिहेविंग इन अ पर्टिकुलर वे ठीक है हैबिट ऑफ बिहेविंग इन अ पर्टिकुलर वे को हम क्या कह सकते हैं चार ऑप्शनस है प्रोपेंसिटीज़ एट्रीब्यूट्स सेलिब्रेस या नन ऑफ दीज तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए प्रोपेंसिटीज़ प्रोपेंसिटीज़ मतलब एक तरीके से बिहेव करने की जो आदत होती है उसको हम प्रोपेंसिटी कहते हैं ठीक है तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हमारे हो जाते हैं सेकेंड लैंग्वेज इंग्लिश के तो इससे पहले हम लोग काफ़ी और भी सेक्शंस कर चुके हैं अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो उनको भी ज़रूर देखिएगा लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आज के लिए सिर्फ इतना ही अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें शेयर करें और एप्ली को सब्सक्राइब करें